हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे चैनल परकीमेग्स में। हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। जैसा कि आपने जज कर लिया होगा आज की टाइटल से, वीडियो के टाइटल से, कि मैं परकीमेग्स वाली मेघा जी हैं जो उनका स्टाइल कॉपी करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप मुझे बताइए कि मैं पास हुई या फेल हुई। वैसे तो वो एथनिक क्वीन कही जाती हैं। मैंने उनका कुछ पिक्स उनकी देखी हैं जो मुझे लगता है कि काफी सुंदर हैं और वो बहुत उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता था। तो वैसा ही मैंने कुछ करने की कोशिश की है। सिर्फ मुझे पता है मैं कहीं भी उनके आसपास भी नहीं आई, बट जो भी किया है मैंने दिल से किया है और मेघा जी के लिए प्यार है इसीलिए किया है। बात पिछले साल की है, लास्ट ईयर की। मेरा छोटा वाला बेटा होने वाला था। आई वॉज प्रेग्नेंट एंड आई लेफ्ट माई जॉब। मैं प्रिंसिपल थी किड्जी में, तो मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो आई वॉज नथिंग एट होम टू पास माई टाइम। आई जस्ट टुक द सपोर्ट ऑफ यूट्यूब। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती थी रैंडमली, कुछ DIYs के वीडियोस, कुछ होम डेकोर के, कुछ बेबी केयर के। तो उसके बाद एक दिन अचानक ही मैंने मेघा जी का वीडियो देखा और मुझे उनका वीडियो और उनका बात करने का अंदाज इतना पसंद आया कि मैंने बैक टू बैक पूरा दिन लगाकर उनके सारे वीडियो देख डाले। और हर वीडियो पे उनके, जब जैसे जैसे मैंने एक एक वीडियो देखा, तो उनके हर वीडियो पे मैंने यही डिसाइड किया, यही अपने मन में एक एम बनाया कि जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ बेबी से, तो मैं एक यूट्यूबर ही बनूंगी। मैंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद बेबी, थोड़ा टाइम बेबी को दिया, घर को दिया, और बचे हुए टाइम में मैंने फ्री टाइम में यूट्यूब करना शुरू किया। तो मेघा जी मेरी इंस्पिरेशन थी, मेरा मोटिवेशन थी कि एक हाउसवाइफ भी घर पे रहकर भी कुछ क्रिएटिव कर सकती है अगर वो अपने घर और पति और बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती, जॉब नहीं करना चाहती है, तो वो इस तरह से अपने मन का कुछ क्रिएटिव कर सकती है। मेघा जी को देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सीखा है, बट मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस कर रही हूँ आज सबके सामने कि मेघा जी को देखकर ही मैं यूट्यूब मैंने शुरू किया। मेरे अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी है ये मुझे पता चली मेघा जी के वीडियोस देखकर, आइडियाज देखकर, और कुछ मैंने अपना इम्प्लीमेंट किया। तो इससे बहुत ही अच्छा सा एक चैनल मेरा स्टाइल स्टेटमेंट बिल्डअप हो गया। मुझे मेरा चैनल स्टार्ट किए हुए 6 महीने हो गए हैं आज, तो 6 मंथ पे जो हाफ ईयरली इसकी एनिवर्सरी है मेरे चैनल की, तो मैंने सोचा कि अपना 6 मंथ एनिवर्सरी पे मैं मेघा जी को ही ये वीडियो क्यों ना डेडिकेट करूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज्यादा बातें हो गई हैं आज, बट अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप जरूर देखिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने मेघा जी के लुक के आसपास भी पहुंची या नहीं। मेघा जी को एथनिक क्वीन कहा जाता है, तो मैंने जो अपना फर्स्ट लुक क्रिएट करने की सोची है वो उनके इस पिक से इंस्पायर्ड है। इसी तरह का कुछ मैं आउटफिट क्रिएट करना चाहती हूँ, ऑल ब्लैक ऑन ब्लैक एंड पॉप ऑफ कलर ऑफ ऑरेंज कलर दुपट्टा। ऑरेंज कलर का दुपट्टा ये है, मैंने कैरी किया हुआ है, ये कुछ कुछ रिजेम्बलिंग है, कलर रिजेम्बलिंग है। और कुर्ती है जो वो ये है मेरे पास, कुर्ती विद लेगिंग। एंड देखिए कैसा लुक निकल के आया है जब मैंने इन सबको पेयर किया है मेघा जी की तरह, और खूब सारी सिल्वर ज्वेलरी से अपने आप को एक्सेसराइज किया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एफर्ट बस, बट फिर भी बहुत कुछ है। We'll be right back.
का है ये वाली का। तो ऐसी ड्रेस मेरे पास ये है, कुछ कुछ रिजेम्बलिंग। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और ये ड्रेस काफी अच्छी है। बेसिकली ये डबल लेयर कुर्ती है जो मैं अभी ड्रेस के टाइप से ही पहन रही हूँ। ये है और जीन्स पहनी हुई है उन्होंने इस लुक में, ये देखिए। तो इस लुक में जो उन्होंने क्रिएट किया है वैसा ही मैं कुछ क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने ये कुर्ती ली थी ajio.com से। ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती है, ये फ्रंट से ओपन है। तो मुझे लगा कि बेस्ट ये रहेगी कुर्ती, क्योंकि उनका भी आगे से स्लिट वाली कुर्ती है और साथ में जीन्स की लेगिंग, या आप जीन्स भी पहन सकते हैं। मैं जीन्स की लेगिंग ज्यादा प्रेफर करती हूँ गर्मियों में जीन्स के बजाय। ज्वेलरी और आपका लुक तैयार है। जो फोर्थ लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो उनका भी लेटेस्ट मैक्सी ड्रेसेस हॉल में उन्होंने दिखाया था, उससे इंस्पायर्ड है। ऐसी कुछ उन्होंने टाई एंड डाई वाली कुछ एक लॉन्ग कुर्ती कम मैक्सी ड्रेस पहनी थी, ऐसा ही एक रिजेम्बलिंग सा मेरे पास भी था मैक्सी ड्रेस। तो मैंने इसी से वो लुक क्रिएट करने की कोशिश की है इससे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कि कैसा लगता है। अब ये फिफ्थ और लास्ट लुक है जो मैंने उनकी पिछले साल जो उन्होंने लास्ट ईयर रक्षाबंधन आउटफिट आइडियाज पे उन्होंने बनाया था। ये हॉट येलो कलर की कुर्ती है, मैंगो येलो कलर आप कह सकते हैं। प्लेन कुर्ती है और उनकी तरह ही मिल गई मुझे अपनी वार्डरोब में। तो मैं इसी से वो लुक क्रिएट करूंगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेघा जी के लिए और मेरे लिए एक बड़ा सा सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिख रहा है आपको वो जरूर क्लिक कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। और बताइए कि मैंने कैसा किया मेघा जी का इम्पर्सनिफिकेशन। मुझे लगता है कि मेघा जी जितनी सुंदर है उतनी ही वो अंदर से भी सुंदर है, तभी उन्होंने मुझे ये सारी पिक्चर्स यूज करने के लिए एक दिन में ही एग्री हो गई, वो एक दिन में ही मुझे अलाउ कर दिया। और मुझ जैसी नई यूट्यूबर को वो इतना प्यार देती हैं, वो इतने प्यार से बात करती हैं, तो दैट इज अ कमेंडेबल थिंग। And let's start the video.